खबर बाराबंकी जनपद से, जहां सिरौली गौसपुर में पूर्व कारागार मंत्री राकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने सरकार विरोधी नारा लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सिपाहियों ने योगी मोदी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सुरेंद्र पाल विश्वकर्मा को सौंपा। तहसील मुख्यालय पर कोतवाली बदोसरा पुलिस समेत कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख रेणु वर्मा, जिला पंचायत सदस्य विजय यादव, अखिलेश वर्मा, शिव कुमार यादव, चंदू वारसी, जसवंत सिंह यादव, बाल गोविंद वर्मा, पूर्व विधायक रतन लाल राव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ये जो ज्ञापन सौंपा गया, किस संबंध में सौंपा गया, इसका क्या उद्देश्य है? पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अराजकता फैलाई है, वोटरों के साथ जोर जबरदस्ती की गई है, पुलिस उत्पीड़न किया गया है, जिला प्रशासन द्वारा दबाव डाला गया है और उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है गैस और पेट्रोल के दामों के, किसानों के बकाया गन्ना बकाया मूल्य, इन सभी मांगों के अलावा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे कायम हुए हैं, इन सभी के विरोध में हम लोगों ने आज देश के सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया।